हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पहाड़ी स्टाइल बल्ले, लेकिन पहाड़ों में हम इन्हें बड़े बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बड़े उड़द की दाल से बनाएंगे। तो हमने उड़द की दाल ले ली है और पानी को हमने कोसा कर लिया है, और अब उड़द दाल को कोसे पानी में भिगोने के लिए डाल देंगे। मैंने यहाँ पर तली हुई उड़द दाल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो साबुत दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है, अब हम एक बड़े बर्तन में कोसा पानी लेंगे। छन्नी में भीगी हुई उड़द की दाल को थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, पानी की सहायता से इसके छिलकों को अलग कर देंगे। जैसे ही हमने छन्नी को पानी में डाला तो इसके छिलके ऊपर आ गए हैं और दाल नीचे रह गई है। अब हम छिलकों को अलग बर्तन में निकाल लेंगे, या फिर हम छिलकों को पानी में ही निकाल लेंगे। आप ज़्यादा दाल एक साथ मत लें, अदरवाइज ये छिलके अच्छे से नहीं निकलेंगे। साफ किए हुए उड़द दाल को हम एक अलग से छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि उड़द दाल में जितना भी पानी रह जाए वो इस छन्नी की सहायता से निकल जाए। इसी तरह से हम सारे छिलके दाल से अलग कर देंगे। हमारी उड़द दाल अब पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम उड़द दाल में हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और अदरक को भी पीसेंगे। उड़द दाल को हम मशीन की सहायता से पीसेंगे। हम मशीन में थोड़ा थोड़ा करके उड़द दाल को डालेंगे और इसे अच्छे से पीसेंगे। जिस मशीन का यूज़ हम उड़द दाल पीसने के लिए कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये हाथ से चलाई जाती है। इसी मशीन में हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को भी पीसेंगे। हमारी उड़द की दाल अच्छे से पीस चुकी है, अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उड़द दाल में स्वाद अनुसार नमक और कसूरी मेथी डाल देंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा तेल गरम होता है, हम उड़द दाल को अच्छे से फेंटेंगे, और तब तक इसे फेंटेंगे जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए। उड़द की दाल को हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि हमारे बड़े क्रिस्पी बने।
ध्यान रखें कि हमें फेंटते समय पानी का थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है और उड़द दाल को भी अच्छे से फेंट लिया है। वड़े बनाते समय हमने एक कटोरी में पानी लेना है और थोड़ा सा हाथों पे लगाना है ताकि उड़द दाल का मिक्सचर हमारे हाथों में ना चिपके। थोड़ा थोड़ा करके उड़द दाल का मिक्सचर अपने हाथों पे लेंगे और वड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। उड़द दाल खाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये हार्ट, लीवर, किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो मधुमेह के रोगियों और वजन घटाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसी तरह से हम सारे बड़े तैयार कर लेंगे। हमारे बड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ। आप भी बनाओ, खाओ और एंजॉय करो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।